प्रिया जी का एक नाम आचार्य चरण संबोधित करते हैं, जो मंजरियों की हृदय की बात जाने उसको मनोमी करते हैं। अर्थात प्रिया जी की जितनी भी सखी मंजरियां हैं अपने हृदय में प्रिया जी के प्रति जो प्यार उपस्थित करती हैं या प्यार भरी कातर दृष्टि से उनको देखती हैं, तो उस हृदय की बात को जानने वाली है। वही कहती हैं कि मनोहरम हृदयम मानसम जस्या, या प्रिया जी का मन कैसा है जो सबके चित्त को हरण करने वाला है। प्रत्येक प्राणधारियों के हृदय में बैठ करके प्रिया जी सबके चित्त को आकृष्ट करती है। और एक नाम है सदय, जो दया से दयान्वित प्रिया जी का। आचार्य जी लोग कहते हैं कि कभी कभी भगवान श्याम सुंदर का आंख लाल लाल हो जाता है दुष्टों को देख करके, लेकिन प्रिया जी कभी भी उनका नेत्र लाल नहीं, क्रोधित नहीं। जानकी चरितामृत में लिखा गया है कि तुरंत बद कर देने योग्य प्राणी पर भी दया रखती है। किशोरी जी का नाम साता पराधाग्य बधारी वत्सला, ऐसा अपराधी जीव है कि तुरंत बद कर देने योग्य पापी है, लेकिन वैसे पापी को भी प्रिया जी कृपा करती है। इसलिए मंजरियां उनके इस रहस्य को जानती हैं और कहती हैं, हे सदय, हे दयान्वित प्रिया जी, जस्मिन बासरे आ, इस किंकरी का ऐसा सौभाग्य कब प्राप्त होगा कि किंकरी तव पदव चरण पसव रूप मंजरी च द्वे करा मुझे संवाहिष्यति, कि मैं प्रिया जी का चरण संवाहन करूंगी और हमारी जो गुरु रूपा सखी है मंजरी है रूप मंजरी, वो आपका हाथ द्वे करा मुझे संवाहिष्यति, आपके दोनों करों को संवाहन करेगी। हा अनयो किम सह श्रीमान सुअवसर भविष्य की तरह, क्या ऐसा शुभ दिन उपस्थित होगा। प्रिया जी जब तल केली तल पर पलंग पर शयन करती हैं, तो ये मंजरियों का कितना बड़ा सौभाग्य है कि जिस तल पर प्यारे श्याम सुंदर आने में थर कांपते हैं, प्रिया जी कृपा करके और उसी सिंहासन पर मंजरियां स्वेच्छा से जाए, आदेश देती हैं प्रिया जी। इसीलिए संभ्रम संकोच नहीं है वहां पर। मधुर रस के जो दास हैं वे दास भी संभव संभ्रम संकोच से दूर प्रिया जी से कर। आचार्य लोग कहते हैं कि कितनी भारी विरह व्याकुलता है प्रिया जी की सेवा प्राप्त करने की रघुनाथ दास गोस्वामी के हृदय में, जिनका श्री स्वामिनी जी की स्वामिनी जी के चरण के अतिरिक्त कहीं दृष्टि नहीं, सर्वत्र केवल प्रिया जी की सेवा। ये कितना बड़ा सौभाग्य है जिन प्रिया जी के चरण कमल को प्राप्त करके लाल भी प्यारे श्याम सुंदर भी अपने को धन्य मानते हैं, बड़भागी मानते हैं, और खास करके मंजरियों को चरण सेवा करने का सुअवसर प्राप्त होता है तो उनकी चंद्र छटा पर लुप्त हो जाती है। वैसे महापुरुषों के जब तक आनुगत्य स्वीकार न किया जाए, वैसे महापुरुषों की सेवा न किया जाए, तो इतनी भारी संपत्ति भला कैसे प्राप्त होगी। राधा रानी की चरण सेवा, और दुख की बात है कि हम लोगों का मन सदैव सतत संसारिक विषयों के लिए ही लुब्ध रहता है, उस रस की तरफ दौड़ता है। हम लोग कभी एकांत में बैठते हैं तो मन में ऐसी अभिलाषा नहीं होती है कि वो मन प्रिया जी की उस सेवा को प्राप्त करें जिस सेवा के लिए बड़े बड़े महापुरुष लोग ललायित रहते हैं। खास करके यहाँ पर श्री रूप गोस्वामी पार, तुलसी मंदिर रघुनाथ दास गोस्वामी पार, और खास करके जितने भी गौर परिकर हैं, महाप्रभु के परिकर हैं, वे लोग जिस रस का आस्वादन करते हैं, जिस रस को चाहते हैं, तो
तो बिना उनके कृपा के हम लोग इस रस का अनुभव नहीं कर सकते। और भगवान का भजन ऐसा है, जिस रस का हम लोग यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, तो यह नहीं कि बाद में मिलेगा, अभी तत्काल मिलता है। एकादश स्कंद में भगवान कहते हैं कि भूखे व्यक्ति को जैसे एक एक ग्रास में तुष्टि पुष्टि और क्षुधा निवृत्ति होती रहती है, कोई भूखा व्यक्ति है उसको यदि भोजन मिले तो एक एक ग्रास पर उसको शक्ति आने लगता है, तुष्टि पुष्टि और क्षुधा निवृत्ति। उसी तरह यदि कोई भगवान का भजन करता है, सत्संग भजन, भजन दो प्रकार का भजन है। एक भजन की स्वतः केवल नाम निकलता है मुंह से, लेकिन चिंतन नहीं होता, तो वह भजन इतनी कारगर नहीं। भजन ऐसा करें कि सत्संग भजन, जिस प्रभु का हम नाम ले रहे हैं उनकी सेवा का स्मृति भी होती रहे, ललक हो कि मैं ठाकुर जी की सेवा करो, प्रिया जी की सेवा करो, महामंत्र रट रहे हैं और रटते रटते उस लीला का स्वर है। देहावेश के कारण हम लोगों का मन उधर नहीं जाता, देह में इतनी आसक्ति हो गई है कि इस देह को ही सब कुछ मान बैठे और देह के संबंधी को अपना समझ सकते हैं। इसलिए भागवत में कहा गया है स्वजना के दस्यु, हम लोगों का सबसे बड़ा चोर डकैत कौन है जो अपना स्वजन, हमारा अधिक समय उन्हीं लोगों के लिए जाता है, हमारा अधिक समय शरीर के लिए जाता है, शरीर से थोड़ा निवृत्त होते हैं तो शरीर के परिजनों की तरफ जाते हैं। भागवत में लिखा गया है कि ये लोग डकैत हैं, स्वजनाख्य दस्यु, ये मानव शरीर कितना कीमती वस्तु है, एक एक क्षण का कितना महिमा है और उस क्षण को हम लोग अनावश्यक समय मिलता है क्यों बिता देते हैं कि हम लोगों को देहावेश, देह को अपना मान लिए, ये नहीं समझते हैं कि यह देह कुछ दिन के लिए मिला है और इसको छीन लिया जाएगा, इस देह से किसी वस्तु को प्राप्त करना है। प्रेम भक्ति चंद्रिका में आचार्य चरण कहते हैं, देहे वैसे रिपु वर्ण, देह में दुश्मन बैठे, रिपु बैठे, रिपु कौन है तो जते को इंद्रिय गण, हमारे शरीर में जितने इंद्रिय हैं ये हमारे दुश्मन है, रिपु का काम कर। यदि इंद्रिय श्री कृष्णोन्मुख हो, श्री कृष्ण की तरफ लगा, तो यही इंद्रिय हमारा मित्र का काम कर, और यदि यही इंद्रिय विषय की ओर चला जाए, नेत्र अपने तरफ खींचे, जीभ अपने तरफ खींचे, मन अपने तरफ खींचे, तो दस्यु देहे वैसे रिपुगण जते को इंद्रिय गण, जितने इंद्रिय हैं ये हमारे रिपु का काम करते हैं, ये हमको बाध्य बना देता है सोने को खाने को, हमारे प्राण को जलाता रहता है। जीव ये निश्चय नहीं कर पाता है कि हम क्या करें, जैसे ऊंट है, ऊंट देखे हैं आप लोग, ऊंट क्या खाता है, कांटा खाते हैं, हमको भी आश्चर्य लगता था, ऊंट के पास आप अंगूर रखे नहीं खाए, ऊंट खाएगा कांटा, बबुल का कांटा, शरीर का कांटा है, कांटा खाता है और सोचता है कि कांटा में मुझको रस मिले, वो कांटा खाता है तो कांटा से उसका जबड़ा छेद देता है, खून निकलता है और खून में वो कांटा मिल जाता है, और जब वो मिल जाता है तो मिलने के बाद वो सोचता है कि बबूल के कांटा से रस निकलता है। उसी तरह हम लोग को लगता है विषय में सुख है, विषय में क्या सुख है, तो शुष्क वस्तु है उसमें सुख है, सुख तो आत्मा में आनंद है, इस शरीर में आत्मा है तभी आंख को देखने में मजा आ रहा है, नाक को सूंघने में, कान को सुनने में, ये असली सुख कहाँ है, आत्मा। हम लोग सोचते हैं कि ये आंख में सुख है और आंख के विषय में सुख, इसीलिए छत विछत होकर के उस इंद्रिय के विषय को प्राप्त करने के लिए बड़ा परिश्रम करता है,
और भगवान हमारे हृदय में बैठ कर भी हमको देख रहे हैं कि देखो तो सही, मैं आनंद का केंद्र उसके हृदय में बैठा हूँ, मेरी तरफ झांकता भी नहीं, देखता भी नहीं, और ऐसे वस्तुओं के पीछे दीवाना हुआ है जो उसको दुख देता है, उसको जबड़ा को छेद करेगा, उसी का खून निकालेगा और उसी का रस। तो ऊंट की तरह विषय कंटक चबाते चबाते हमारा मुंह बिछत हो गया, कट गया, और फिर भी भक्त की कुकिल श्री रघुनाथ दास गोस्वामी श्री रूप गोस्वामी पाए आचार्यों का बात उसको चल। यदि यहाँ पर विषय की कोई वस्तु उपस्थित कर दिया जाए संसार में तो किसी को बुलाना नहीं पड़ा, टिकट लगा दिए, टिकट से लोग आए आए कि नहीं आते हैं, सिनेमा हॉल में आते हैं, गाड़ी चला कर जाएंगे, पैसा से टिकट लेंगे और देखेंगे वो क्या है, कंट का कीर्ण जगह, तो तुम्हारे चित्त को विषय बर्बाद करेगा और फिर विषय में लगा करके फिर आराम से है सकते रहो। लेकिन ये भक्त कोकिल की तरह प्रेमात्र मुकुर कलियों को नहीं खाते, भक्त लोग जो रस खाते हैं उसको हम लोग खाना पसंद नहीं करते। देखिए श्री रघुनाथ दास गोस्वामी राधा कुंड के तट पर बैठ करके क्या रस का पान कर रहे हैं, अद्भुत रस का पान कर रहे हैं, प्रिया जी के चरण का सम्मान कर रहे हैं, उस आनंद को नहीं, माया के प्रभाव से जल रहा है, मर रहा है, फिर भी भक्ति रस का स्वादन नहीं करूंगा, तो जीव की ऐसी इच्छा बन गई। देखिए वृंदावन में कितने बड़े बड़े महापुरुष हुए थे, और जो महापुरुष सारा संबंध को तोड़ करके वृंदावन में रहे, हरिराम व्यास श्री रूप गोस्वामी का, ये सब साधारण व्यक्ति का नाम नहीं है, साधारण व्यक्ति नहीं, प्राकृत जगत में भी देखा जाए तो बहुत बड़े पोस्ट किया, और अध्यात्म का तो कहना ही क्या, कहाँ के थे। अब ये महापुरुष लोग हम लोगों के पास आकर के कैसे रहा जाए, कैसे खाया जाए, कैसे चला जाए, कैसे चिंतन किया जाए, कैसे भगवान का भजन किया जाए, अपने रहने से हम लोगों को शिक्षा दे करके चले गए। हम लोग वृंदावन में रहते हैं तो वृंदावन की रहने की परिपाटी ये नहीं है, ठीक जिस तरह हम लोग रह रहे हैं वैसे नहीं रहे, वृंदावन में कैसे रहा जाता है तो रूप सनातन के अनुभव में वे लोग कैसे रहे, हम लोग सोचते हैं कि वैसे नहीं रह सकते हैं। तो जितना विषय का उपभोग उपस्थित रूप गोस्वामी के पास था उतना हम लोग पास नहीं, रघुनाथ दास गोस्वामी के पास जितना ऐश्वर्य था, जितना प्राकृत सुख सुविधाएं थी उतना हम लोगों के पास है, लेकिन कितना वृक्ष बैरा, एक वृंदावन रहने की एक परिपाटी नहीं। एक महात्मा आया था वृंदावन में, ब्रह्मचारी था, फिर शादी करके वृंदावन, कहा कि हम इसीलिए शादी किए कि मैं ब्रज में रहूं। एक महात्मा कहे कि भैया शादी रह करके वृंदावन बस नहीं किया जाता, अब घर गृहस्थी का उपभोग करने के लिए वृंदावन नहीं, वृंदावन तो रोने का जगह है, तड़पने का जगह है, खाने न खाना न मिले, सम्मान न मिले, प्रतिष्ठा न मिले, अपमान मिले, दुख मिले, इसके लिए तो वृंदावन, इस जब दुख मिलेगा तब भगवान की याद है, इसके लिए तो वृंदावन है, कहीं मान प्रतिष्ठा मिले न मिले, अपमान गले में बंधाना पड़े, जल भोजन की परवाह नहीं करके व्रत जन्म बिताना पड़े, अभिलाष नहीं कुछ भी सुख की, दुख नित्य नवीन उठाना पड़े, इतना कष्ट होने के बाद भी ब्रज भूमि से बाहर किंतु प्रभु हमको कभी भूल न जाना, ये वृंदावन रहने की ये है, वृंदावन सुख भोगने के लिए नहीं, सुख भोगने के लिए है तो चले जाओ, सुख भोगने के लिए स्वर्ग है, महर लोक है, जल लोक है, तप लोक है, वहां चले जाइए, यहाँ भी पृथ्वी पे भी रहना है तो बहुत ऐसा जगह, लेकिन ये वृंदावन इसके लिए नहीं। वृंदावन कैसे रहा जाता है, रहना है तो आदर्श बनाना पड़ेगा, आदर्श हमारे आदर्श हैं खड़ गोस्वामी भी, खड़ गोस्वामी ही नहीं जिस संप्रदाय के भी महापुरुष आए, चाहे श्री हरिवंश जी हों, चाहे श्री स्वामी हरिदास जी हों, या जितने हरिराम व्यास हों, या जो भी महापुरुष वृंदावन में रह करके जिस रहनी से रहे हैं वही रहनी ग्रहणीय है।
ये ऐश आराम का जीवन वृंदावन में दे दे। वृंदावन त्यागमय भूमि है, तपोमय भूमि है, वृंदावन में इसी दे रहा है। ये महाजन लोग शिक्षा देते हैं विषय वरलमय, हमारे इंद्रिय के जो भी विषय है वो विषय, ये हमको निकलते। देखिए ऐश आराम में प्रिया जी की लीलाओं का चिंतन नहीं, कोई सोचे कि हम खूब अच्छे से गा करके भगवान का स्मरण करके संभव संभव। जिसको हम लोग सुख चाहते हैं उसको त्यागना चाहिए, ताते मानो सुख चाह, से सुख दुख करी मान। जिस सुख को हम लोग मानते हैं भगवान के भजन, वही दुख है। यदि सुख प्राप्त करना है तो विषय रस को, ये कौन गोविंद विषय रस संग करे तारे दास, प्रेम भक्ति सत्य करे दास, ये महापुरुषों की वाणी है। ऐसे महापुरुषों की वाणी को बना लेते कि हम लोग कुछ दिन के लिए, बहुत दिन के लिए नहीं, बहुत हम नहीं सभी, जो साधन मिला है कुछ दिन, इसी साधन से इसी शरीर से अलग भी वस्तु को प्राप्त कर सकते हैं। और प्राप्त करने का उपाय बड़ा सरल है, बहुत महंगा चीज नहीं, सरल है। वो जो वस्तु चाहिए हम लोग को पहले से मिल चुका है। शरीर के लिए दो चीज है, वो भगवान फ्री में देते, एक बोले के लिए जीभ, जीभ है, जीभ चाहिए जिसको हिलाना है, भगवान का नाम लेना है, हरे कृष्ण हमेशा कहना है एक बार, और एक है चिंतन करना। तो ये दोनों के लिए पैसा की जरूरत है क्या? नहीं है ना। आज जिसका नाम परिपक्व हो गया है, नाम लेने का अभ्यास हो गया है, जिसका चिंतन बिगड़ा नहीं है, उसको मैं सत्य कहता हूँ खाने की कमी होगी नहीं। घर से आप निकल दें और दो चीज के ओर पकड़ लें, जीव को अनवरत नाम में लगाए और चिंतन को अनवरत ठाकुर जी में लगा दें, आपके पास सारी रिद्धियां सिद्धियां हैं। लेकिन खबरदार उसको लेना नहीं, विषय वस्तु उपस्थित हो जाएगा उसमें उतना ही लेना। एक बार श्रील प्रभुपाल जी जा रहे, मैं आपको जा रहा, तो सन्यासियों को बहुत खाने को मिलता, जो इस्कॉन के सन्यासी हैं उनको खाने का भोग मिलता है, सम्मान करते हैं उनको। आप वो सन्यासी यदि भोग लिया तो मारा जाएगा, भोग तो मिलेगा, अरे सन्यास ले लिया तो सारे संसार को ठोकर मार दिया तो संसार तो तुम्हारे पीछे आएगा, लेकिन तुम भोगेगा तो गया काम से। उसी तरह जो भगवान का भक्त है, जो भजन करता है, उसको विषय भोग तो बिन मांगे आगे बढ़िया है, बिना मांगे विषय भोग ऊपर, लेकिन सतर्क रहना है लेना नहीं। उसको गरल सम विषय गरलमय ताते मानुष, उसको जब तक विष नहीं समझेंगे, खाना पीना सोना इत्यादि, महाराज वही भगवान को बड़ा भक्त को दूर ले जाता है। तो देखिए इस सब वस्तुओं को दूर फेंक कर करना क्या है, तो रघुनाथ दास का इस विषय रूपी विष को दूर से फेंक करके करना क्या है। एक आदमी कह रहा था कि मोह नहीं छूटता, मोह रहते हैं ना बड़ा खतरनाक चीज, जितना जितना आप उम्र आपका बढ़ता जाएगा मोह और बढ़ता जाएगा। भागवत में लिखा गया स्वदेहेन मानिन वर्तमानिन मनुना, जैसा जैसा शरीर बढ़ता है वैसा वैसा मोह बढ़ता है। बेटा का जितना मोह है उससे अधिक मोह बाप को, और बाप को जितना मोह है उससे अधिक मोह दादा को होता है। तो ये मोह जाने वाला नहीं, ये आ सकती है जा नहीं सकती, आ सकती है ना, आ सकती है जा नहीं सकती। तो आसक्ति को भगाना नहीं, आप आसक्ति को मोह को भगाओगे तो भागेगा, कोई भी भगा कर देगी भागेगा। जिसको अपने बेटा से प्रेम, बेटा को कुछ काम नहीं कर रहा, बेटा भी गाली दे रहा है, क्या बोड़ा बक बक कर रहा है, सुनता नहीं, फिर भी बाप को आ सकती है, अपने बेटे से, पत्नी से आ सकती है, घर से आ सकती है, क्योंकि कुछ काम करने लायक नहीं, हाथ काम कर रहा है ना पैर काम कर रहा है, फिर भी आ सकती है। तो उस आसक्ति को जाने का उपाय क्या है कि उस आसक्ति को भगवान कहे,
आसक्ति को भगाना नहीं। अब देखिए श्री रघुनाथ दास गोस्वामी अपनी आसक्ति को कितना सुंदर ढंग से लगाए। ये आसक्ति कैसे लगाया जाए तो देखिए, देखिए हम लोग अब चले कहाँ, निकुंज। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम। शास्त्र में दो उपदेश केवल दिया गया, विषय को उठा गया भगवान को लाया। शास्त्रों में केवल दो ही बात होता है, विषय को छोड़ो भगवान को पकड़ो। और बिना भगवान को पकड़े कोई सोचे कि हम विषय को छोड़ दे तो असंभव था, छूटने वाला है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो अपने मन को फंसाना है। तो मन तो लगेगा नहीं, मन किसी को भगवान में नहीं लगे, भले उपदेश दे दे, दो चार घंटा प्रवचन दे दे, लेकिन उसे जाएगा। उसको लगाने के लिए भगवान का भजन करना पड़ता है, भजन मैंने रोना पड़ता है। भगवान का नाम लेते लेते रोए, इसलिए रोए कि ब्रह्म में सेवा प्राप्त हो जाए, ईश्वरी जी की चरण कमल की सेवा। तो देखिए श्रील रूप गोस्वामी पाद और श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी, ये महापुरुषों की भक्त मार्ग में भक्तों की चरित्र, इसीलिए कहा गया है कि तुम भी उनको आदर्श बना। हम लोग को आदर्श बनाना है, किसी एक महापुरुष को आदर्श बनाना है, उसके अनुसार अपने जीवन को ढालना है। इसीलिए संप्रदाय का निर्माण इसीलिए किया गया। हरिदासी जो है वो स्वामी हरिदास को अपना आदर्श बनाना, संसार को कैसे त्याग करके भगवान का भजन किए स्वामी हरिदास। ये हमारे कदाचार कष्ट गोस्वामी छोड़ करके वृंदावन में आए, और वृंदावन में किस रहनी से रहे। हम लोग वृंदावन में रह रहे हैं तो हमेशा देखना चाहिए हमारी रहनी और रूप गोस्वामी का रहनी में थोड़ा अंतर है क्या। देखिए इसमें ऐसी बात है, हम लोग जिस रहनी में रह रहे हैं उसमें तकलीफ है, इनमें रहेंगे तो तकलीफ नहीं। हमारा चिंतन यदि बिगड़ता है, चिंतन केवल चिंतन हमारा यदि अच्छा रहे तो कोई बात नहीं, चिंतन बिगड़ जाता है भोजन से, रहने सहने से, लोगों को संग करने से, हमारा चिंतन बिगड़ जाता है। और चिंतन ही खजानों का खजाना हमारा मन है, उसको संभालो उसको संभालो उसको संभालो। सबसे बड़ा खजाना है हमारे पास मन, बहुत बड़ा कीमती वस्तु है मन। मन को संभालना है, मन को कहीं जाने नहीं देना है। और मन कैसे संभलेगा तो उसके लिए दो उपाय बताया गया है, ठाकुर जी का नाम और भगवान का चिंतन, दो चीज को बढ़ाना है। संसार में आसक्ति न हो इसलिए सरकार को संसार को कहा जाता है कुछ है, ये संसार केवल दिख रहा है लेकिन है कुछ है। बार बार भागवत में तो कई बार श्लोक कहा गया है, बार बार ब्रह्मा जी उपदेश दे रहे हो या शिव जी या द्वादश आचार्य श्रीमद् भागवत में उपदेश दे रहे हैं, तो केवल यही कहते हैं यह संसार केवल दिख रहा है लेकिन है कौन क्या। संसार में जो कुछ भी दिखता है वो है नहीं, माया है नहीं, है जो रहने वाला वो दिखता नहीं। आप लोग हमारे सामने जो दिख रहे हैं वो आप लोग नहीं, जो आप लोग हैं उसको मैं देख नहीं सकता। शरीर यही रहता है, लोग कहते हैं चला गया, कौन चला गया, जिसको तो हम आज तक देखे न उसे बात किए, और जिससे बात किए जिसे बोले वो तो यही है, और वो तो यही रहता है, कहते हैं वो चला गया। तो जो है जो आत्मा है वो कौन है, तो प्रभु का है। अब उसको चिंतन बार बार करना। देखिए हम यहाँ पर ले आएंगे रघुनाथ दास गोस्वामी के पास से क्या चिंतन कर रहे हैं। संबाहयिष्यति पदौ तव किं करीयम्। ऐसा आप लोग करते हैं कभी कभी, महात्मा लोग जब सोते हैं ना तो सोचते हैं कि प्रिया जी शयन कर रही हैं और हम किंकरी बनकर उनका पाद संभाल, कोई किंकरी बनकर के उनको पंखा झेल रहे हैं, कोई किंकरी बनकर उनको जल दे रहे हैं। प्रिया जी के पास नजदीक चरण के पास सोते हैं महात्मा लोग, क्योंकि प्रिया जी को रात में कब प्यास लग जाए, कहाँ सोएंगे, प्रिया जी के पास। किंकरियाँ ठाकुर जी की प्रिया जी की कुंज के पास सोती हैं कि अड़क कोई भी आवाज आए तो
की सेवा। इसीलिए कभी भी सोए तो भावना करके किसी वजह जाता है, हम प्रिया जी के पास सो रहे हैं, ठीक अपने इष्ट के पास सो रहे हैं, हमारे प्रभु के पास। गुरु जी को तो प्यास लगी है और चेला बेटा ध्यान लगा रहा है, कैसा भजन? तो ये हमेशा प्रिया जी की सेवा, सर्वोपरि सेवा है। अब देखिए हम लोग ये चिंतन करते हैं, स्वामी जी उत्तम सैया पर लेट रहे हैं, प्रिया जी सो रहे हैं। प्रिया जी सोती हैं तो कैसी चादर, ओढ़ने का चादर कैसा होता है कौन बताएगा? नील वर्ण। प्रिया जी जब ओढ़ती हैं तो खूब खुशी दूसरे को नहीं, प्यार श्याम सुंदर को ही ओढ़ती, श्याम वर्ण ओढ़नी प्रिया जी धारण की सोते समय। श्याम वर्ण मात्र से ही प्रिया जी श्याम सुंदर के पास चली जाती है, लेटी लेटी श्याम को स्वप्न में देखती है। मन में राधा, तन में राधा, जागरण में राधा, स्वप्न में राधा। बंगला में एक पद है चंडीदास, सोईते किशोरी उठते किशोरी, है ना एक पद, किशोरी की ही सब जागने में सोने में स्वप्न में। श्याम माधुरी से भाव मही का भीतर बाहर उल्लसित है, श्याम सुंदर का चिंतन करके प्रिया जी बाहर और भीतर से उन्मत्त बिल्कुल उल्लास बन गए। क्यों? रूप मंजरी इस रस को जानती है, प्रिया जी समय विरह में नहीं, गौड़ चिंतन है। देखिए चिंतन ही सर्वोपरि, चिंतन करते करते शरीर का रंग भी बदल जाता है। रूप मंजरी और तुलसी मंजरी प्रिया जी के सम्मुख बैठी हुई है और प्रिया जी तद्भाव भावित होकर के प्यारे श्याम सुंदर का चिंतन कर रही हैं, और चिंतन करते करते इतना गाढ़ चिंतन कर रही हैं कि प्रिया जी भी अपने आप को भूल गई हैं, केवल श्याम सुंदर की याद कर रही। दोनों को कैसा निरुपम सौहार्द है, प्यारे श्याम सुंदर और प्रिया जी। रघुनाथ दास जी उस समय अपना परिचय देते हुए कह रहे हैं कि ऐसा कब सौभाग्य प्राप्त होगा कि इस किंकरी को स्वामी जी बोल करके कहेगी रघु तुलसी इधर है। एक कुंज सेवा, प्रिया जी के कुंज में इस सेवा है, चरण सेवा है ना, चरण सेवा किसका, किस सखी का सेवा है चरण सेवा। जब दीक्षा होता है तो सबको सेवा भी मांगते हैं, जिसकी हम लोग अनुगत हैं, अनुराग और अनुगा हैं, तो उसके अनुसार सेवा भी मिलती है। तो ललिता जी का मुख्य सेवा है चरण सेवा, तांबुल सेवा और चरण सेवा। और हम लोग जो हैं खास करके गौड़ीय संप्रदाय के जो लोग हैं, ये लोग हम लोग रूपन, तो रूप गोस्वामी ललिता सखी रूप गोस्वामी ऐसे चलता है पर, तो उसके अनुसार से रूप मंजरी कभी माला गुथती है, कभी पुष्प चयन करती है। रूप गोस्वामी प्रिया जी की सेवा, राधा रानी और श्री कृष्ण की सेवा करती है। पुष्प का चयन करते समय रूप का ललित माधव नाटक में इतना भयानक विरह हो गया है रघुनाथ दास गोस्वामी को, जब ललित माधव नाटक लीजिए रूप गोस्वामी पास, तो उसमें प्रिया जी का जब विरह वर्णन किए द्वारका लीला में, तो इतना कष्ट में आ गए रघुनाथ दास गोस्वामी उसको पढ़ करके कि अब उनका समझ में नहीं आ रहा था कि अब हम क्या करें। देखिए ग्रंथ ललित माधव नाटक पढ़ करके पागल हो गए रघुनाथ दास। तो रघुनाथ दास गोस्वामी को प्रसन्न करने के लिए रूप गोस्वामी पाद ने दान केली कौमुदी दी, और दान केली कौमुदी में प्रिया प्रियालाल का जो मिलन पड़े तब रघुनाथ जी का हृदय था। देखिए विरह केवल पढ़ने से। तो रूप और तुलसी मंजरी प्रिया जी के पलंग पर बैठ करके चरण सेवा कर रही, रूप मंजरी सेवा कर रही है हाथ हाथ सम्मान कर, और तुलसी मंजरी सेवा कर रही है प्रिया जी के चरण को। और चरण सेवा करते करते तुलसी मंजरी कह रही है हे मनुष्य, हमारे मन की बात जानने वाले, मन जानीति इति, मन के हृदय को जानने वाली हे मनुष्य, जो मन की बात जानती है, आप कृपा करके हे प्रिया जी हमको अपने चरण कमल की सेवा का सम्मान और तुलसी को
तुलसी को चरण कमल की सेवा का सम्माहन और रूप मंजरी को हाथ की सेवा, ये दोनों को, और कृष्ण प्रेम में श्री राधा का माधुर्य, उनके चरण कमल का नखचंद्र छटा जब उसके हृदय में प्रवेश करता है, तब महाराज वो आनंद में हो जाती है। चंद्र से भी बढ़कर मुख चंद्र है, मुख पद्म है, और उनका जो श्री प्रिया जी का एक एक अंग का वर्णन चैतन्य चरितामृत में वर्णन किए हैं, राय रामानंद के संवाद। राधा रानी का जो परिचय है वो सर्वोत्कृष्ट है, इतना प्रिया जी का जो परिचय दिया गया है, उस परिचय को देख करके यहाँ पर प्यारे श्याम सुंदर की लीलाओं का वर्णन करते करते तुलसी मंदिर एक एक लीला का स्मरण कर रहे हैं, और करते करते इतना आनंद तिलेक में वो नाच जाती है, इसका वर्णन राय रामानंद संवाद में श्री रूप गोस्वामी हरे कृष्णदास कविराज गोस्वामी करते हैं कि जब भगवान रास कर रहे हैं तो रास करते 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 अनंत कोटि ब्रज गोपियां हैं, उन गोपियों को छोड़ करके प्यारे श्याम सुंदर राधा रानी के साथ निकल जाते, भागवत सुने होंगे रास पर चले आएंगे, भागवत में तो लिखा गया है कि श्री कृष्ण निकल तासाम तत्सौ भगवदम भिक्षमानम च केशव प्रसमाय प्रसादाय तत्रैवान्तर्धीयते। भगवान गोपियों के अहंकार को देखे और राधा रानी का मान देखे तो दोनों को समन करने के लिए प्यारे श्याम सुंदर वहां से निकल, ये भागवत में लिखा गया, लेकिन गीत गोविंद में ऐसा नहीं लिखा। गीत गोविंद में क्या लिखा है कि कंसार रवि संसार वासना बद्ध श्रृंखलाम राधा माधाय हृदय तत्याज ब्रज सुंदर। गीत गोविंद में लिखा गया है कि भगवान श्री कृष्ण पूरे अपने वासना, कृष्ण की वासना कौन है, राधा, समस्त जगत के जो वासना है उस समस्त वासना को लेकर के प्रिया जी के चरण कमल में बांध दिया जाता है। राधा आधाय हृदय तत्याग ब्रज गोपी। देखिए हम लोग सभी संसार छोड़ते हैं और किसी को आधार नहीं बनाएंगे तो फिर लौटकर घर जाना पड़ता है, इसीलिए संसार छोड़ने के पहले अपना आधार बनाना पड़ता है, हमारा आधार क्या है। तो भगवान श्री कृष्ण भी अनंत कोटि ब्रज गोपियों को छोड़े तो छोड़ने के पहले अपना आधार बना, हम अपने मन को कहाँ रखेंगे, हम तो भाग कर घर द्वार छोड़ करके वृंदावन आ गए, तो वृंदावन में निठल्ले बैठे रहेंगे तो फिर घर लौट कर जाना पड़ेगा, तो वृंदावन में रहना है तो कुछ आधार बनाना है, तो श्री कृष्ण भी अनंत कोटि ब्रज गोपियों को छोड़े तो अपना एक आधार बनाए, वो आधार क्या है, राधा रानी का चरण, राधा आधार हृदय तत्याग ब्रज गोप सुंदरी, ब्रज सुंदरी, भगवान प्रिया जी के चरण कमल को अपना